तुम्हारा भाई आ गया है वापस नए इंट्रो के साथ। अगर इंट्रो पसंद आया तो ऊपर से वो पिक कर देना चैट में। बाकी ये मैच नंबर 2 एंड मैच नंबर 4 है, मीरामार एंड सानोक ऑफ ऑब्वियसली अपना एक ही चीज़ यो डैडी का ग्रैंड फाइनल्स 10K फाइनल्स अपन ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई करते हैं। जैसे आप थंबनेल में देख पा रहे हो नंबर 4 पे टीम TSR, अभी अपना ग्रैंड फाइनल्स है। तो इसके बाद एक चिकन डिनर की वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी, बहुत जल्द क्या कल ही अपलोड हो जाएगी, दैट इज़ वेडनेसडे। प्लीज़ प्यार दिखाना, प्लीज़ सब दिखाना, रोटेशंस था सब था। इधर हम जल्दी मर जाते हैं बट आप लोगों के लिए सीखने के बहुत है इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ। मेरे को कोई पर्पस नहीं है वीडियो डालने का, कोशिश करना इस वीडियो से सीखो आप एंड ऑल द बेस्ट। टॉलरेट करना थोड़ा मेरा वीडियो, जो भी देख रहा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्या बोलने का क्या फ़ायदा करते तो नहीं। चलो कोई नहीं, देखो वीडियो सीखो अगर सीख पाते तो। थैंक यू। तो गाइस मैंने रोटेशन थोड़ी काट दी, अपन सीधा जंकयार्ड आते हैं। जैसे आप आगे वाला देख रहे हैं अभी जो मैंने जहाँ स्कोपिंग किया था, तो वहाँ पे अपन जाते हैं और मेरे को जाएगा ये वाला हिल जो अभी सामने दिख रहा है, इसको जाके स्काउट करके आता है और हमें पता चलता है कि उस हिल पे कोई भी नहीं है। तो अपन इसी हिल पे जिस पे अभी मैं हूँ करंटली, उसके एक्सट्रीम राइट मिडल और यहाँ पे अपन बहुत बढ़िया से स्प्लिट हो जाते हैं और पर्सी को हम बोलते हैं घर पे खेलने के लिए, जो नंबर 3 है अपना। मैं अभी बस बैकपैक लेने जाऊँगा और वो सब मिनी एटैक्स ले लूँगा जिससे मैं डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, देता भी हूँ, फिर मैं वापस आके स्कारल उठा लेता हूँ। तो ये सब के बाद अब सीधा एक स्क्वाड हम पे पुश करती है एंड जोन्स में, जो हम फाइट जीत जाते हैं टेक्निकली बट मैं दूर से मर जाता हूँ। सो वहाँ पे हमें कवर यूटिलाइजेशन सीखने को मिलेगा एंड होपफुली आप लोग भी सीख पाओ जिस पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। तो बढ़ते हैं सीधा उस फाइट पे ताकि आप कवर यूटिलाइजेशन सीख सकें। तो गाइज आप देख ही सकते हैं कि अपन ने कैसा प्यारा 3 स्प्लिट ले रखा है, तो अपन किसी पे भी कुछ आएगा तो सब पे कवर आएगा और यहाँ पे हम पर्सी को कवर देते हैं। पर्सी मेनली कोशिश करता है किल निकालने का, दी ईजी किल्स जो उसको मिल जाएंगी पीछे से, और हम उसको आइडियाज़ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे BT एक नॉक निकालता है और कन्फर्म भी कर देता है। देखो ये स्प्लिट का फायदा होता है कि ज़्यादा वाइड रेंज इज कवर्ड, देखो जोन में हमारा कितना एक्सेस है और हमें पता है हमारे पीछे से ही बंदे आने और हम यूटिलाइज करते भी हैं उसको। अरे यार रुक मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने उसको हेड तो कनेक्ट कर दिया, मैं जिद के कारण रुक सकता था बट मेरे को पता था दो बंदे, तो मैं टेक्निकली एक नॉक भी देता तो मैं डिफीट हो जाता, इसलिए मैं पीछे भागा। तुम कैंपर बोलो चाहे कुछ बोलो बट जिस टैक्टिक मेरे को हेल्प किया हील करने में, मैं इसके 1v2 भी करता हूँ बट यहाँ पे BT सेक्रीफाइस हो जाता है। घर पे काम कर। मार। बहुत बढ़िया एक ही है कर है, बस पुश कर दो दोनों। साथ में पुश करो, लेफ्ट में भाई नो पर सुन का डैमेज देगा, बहुत बढ़िया फिनिश कर। अरे मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि सर्वाइवल स्किल्स मिल जाए बट नहीं बच पाता, मैं 1v2 इजीली कर देता हूँ इसलिए कवर यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं स्मोक करके पुश करता तो शायद बच जाता बट कोई नहीं, ये सीखने वाला चीज़ था। चलो मिलते हैं अगले सैनोक के गेम में। यहाँ पर जब अपन उतर रहे होते हैं अपन को लेफ्ट में दिख जाता है कि हम पे एक बंदा आ रहा है बट एक बंदा और कहाँ से उतरता है वो हमें पता नहीं चलता है। अपन मस्त स्प्लिट होके मस्त लूटते हैं, देखो एक बंदा अपन को दिख रहा है लेकिन दूसरे बंदे का हमें पता नहीं होता वो कब आ जाता है, लेकिन स्टिल हम आराम से दोनों लोगों को मारेंगे, अच्छे से देंगे। रे अपनी जगह पे आएगा तो चुदेगा ना बाबा, चिल करने का भी देंगे, डोंट वरी। तो देखो अब कैसे मारते हैं इन दो लोगों को और फिर आगे भी हम थोड़ा एग्रेस करते हैं, 2-3 जगह फाइट लेने की कोशिश करते हैं बट नहीं हो पाता इतना सक्सेसफुल, बट एनीवेज वी ट्राइड आवर बेस्ट। एक पीछे वाले कितने छुप गया, तो रहा है ये, रुक जा इधर से। अरे मेरे को कहाँ से दे दी, वॉच आउट
कर देगा, आराम से लो आराम से ले। एक को नॉक किया मैंने, फिनिश किया ना, नॉक फिनिश किया। नहीं 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 पीछे मेरे पीछे, ये पत्थर के यहाँ पे मैं गन से मार सकता था उसको, मेरे को पता बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन मैं उसको पिछले जो पिछला नॉक निकाला मैं गन से नहीं दे पाया। यहाँ पे नेट करा नहीं, नॉक कोई बात नहीं, यहाँ मैं मेको करव दे देता हूँ। बट मैं इंस्टेंटली एक चीज़ देख नोट करना कि मेरे से शायद गन निकालने का गलती हुआ, लेकिन मेको लेफ्ट से नॉक हुआ, तो मैंने इंश्योर किया कि मेरे लेफ्ट से कवर है और सामने से कवर है। देखो ये रॉक कितना मेरे को सिक्योर कर दिया लेफ्ट से, और हमें पता था कि मेको लेफ्ट से नॉक हुआ है। ये कवर यूटिलाइजेशन में बहुत मुश्किल से सीखाऊँ, होपफुली आप लोग भी अपने आगे यूज़ कर पाएँ। अपन लोगों ने बहुत ढूंढते हैं बट वो पीछे भाग जाते हैं, तो एनीवेज हम आगे मूव करते हैं। और यहाँ पे तुम्हारा भाई क्या देता है स्प्रे, कभी देखना, मस्त स्प्रे देगा तुम्हारा भाई। कुछ कर रहा मैं, अरे बहुत डैमेज है वो, देखा मैंने बहुत डैमेज। अभी यहाँ पे अपन आगे बढ़ रहे होते हैं बट मेको को राइट से पड़ता है, मेको डेड हो जाता है। मैं इमीजिएटली प्रोन होकर कोशिश करता हूँ देखने की, बंदे को स्पॉट करके डेड करने की, बट मैं नहीं कर पाता और उस वजह से अपने यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर मेको का लॉस हो जाता है। बट एनीवेज सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इमीजिएटली पीछे भागता हूँ क्योंकि रीज़न बीइंग मेरे को पता है कि लेफ्ट से हमें पड़ेगा जहाँ हम एग्रेस कर रहे थे, क्योंकि हमने बहुत फायर दिया था उधर और उन लोगों को अब रिटेलिएट करना चाहिए। तो मैं इंस्टेंटली देखता हूँ कि मेरा आगे कवर है, तो मैं लेफ्ट मारने की कोशिश करता हूँ। और ये गेम सेंस से मैं बहुत टाइम बाद डेवलप हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता दूँ, काश आप भी सीखो। यहाँ पे स्प्रे रख देता हूँ, उसको आराम से नॉक कर सकता था, बट कोई नहीं। यहाँ पे हम एक और चीज़ सीखेंगे कि अभी पर्सी को पीछे आना था पर हम इससे पीछे फिर घर भी जाते हैं, तो अपन देखना कैसे मस्त तरीके से अभी एक दूसरे को कवर टू कवर देंगे। अभी नोट करना, पर्सी पीछे आ रहा है, देखो मेरे को पता है कि बंदा चढ़ेगा, मैं रैंडम स्प्रे दे रहा हूँ, मतलब कोई सेंस नहीं था उसका, लेकिन मैं दिया पूरा कोशिश किया। अब यहाँ पे भी मैं इस बंदे को अच्छा खासा लो किया ताकि इसको इजी रैम मिल जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना लोग कंफर्म डाल देते हैं, तो इतने प्यार से दिया। पर्सी ने एक स्मोक किया, मेरे को पता था मेरे को पीछे करना है ताकि वो इजीली निकल पाए, और हमारे लेफ्ट में भी स्मोक हो रखा था। तो अब देखना हम दोनों एक दूसरे को कवर देके कैसे मस्त पीछे घर पे जाएंगे, देखना। बस आप कवर दे लो, मारेगा मंडी मंडी संडी जिसने मुझे मारी। चल साथ में अपना इन कोई अरे मेरे रिफ्लेक्स ओपी, इसको तो मार ही दूंगा पीछे। चलो कवर चाहिए कवर, मेरा कुछ रिफ्लेक्स ओपी वन सेकंड गोली चलाऊंगा, वन सेकंड गोली चलाऊंगा। अरे 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 गोली से मार रहा हूं, आओ ना तुम, आओ ना तुम, आवाज दिला। ये मार किधर से रहा, ये मार किधर से, पत्थर तो सो थे भाई इधर। ये भाई बाला यहाँ पे पर्सी मर जाता है, तीन लोग दूर से उसे नॉक कंफर्म कर देते हैं। बट देखो कितना क्रिस्प कवर से हमने एक दूसरे को बचाया, पीछे लाए। अब यहाँ पे चार बंदे आ जाते हैं मेरे राउंड में, चुपचाप बैठा रहता हूँ, हील बैटल करता हूँ थोड़ा, और सर्वाइवल सोलो सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करके #17 से अपनी टीम को #9 लाता हूँ। सो होप आप कुछ लर्न कर पाओ इससे। इनका आपको साउंड नहीं आ रहा, खड़े हुए ऐसे आ जाओ ना, अभी दिए थे आप स्कोप खोल के देख रहे थे भाई, जोन नहीं हुआ क्या करना। प्रोनो प्रोनो आगे जाओ, प्रोनो को भाई जाओ ना भाई, तुम लोग जाओ ना आगे यार, क्या कर रहे हो रोल के बारे जा रहे थे। नौकरी देना है इसे, आराम करो को नौकरी देना। गए क्या साइड में? ग्रास में देखने लेट जाओ। लेफ्ट वाले घर में घुस जाओ, लेफ्ट वाले घर में घुस जाओ।
अब जाओ ना, अभी जाओ ना, M4 को हाथ में जाओ, अपना कपड़ा गिरा दो। हाँ जाओ ना फिर तो आराम से, उनके पीछे से एक को तो नॉक फिनिश कर ही देना पूरा, फाइट ले रहा जाओ। हाँ तो सनो के से ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है। लेफ्ट साइड ऊपर पूरा को सरते हुए स्टेप फोर कर लो पूरे अंडी बंडी पंडी। इस बंदे का आइडिया नहीं होता और अपन मर जाते हैं। होप आप कवर यूटिलाइजेशन और सब सीखे हो जो सिखाने का पॉइंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।